तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहले लास्ट टू व्लॉग्स में देखा कि जब हम लोग ये ओनरा पाएगा की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, जैसा कि आपको पहले बताया कि 1655 सीढ़ियाँ, तो खासी ज़्यादा थकावट फील हो रही थी, लेकिन ऊपर कुछ देर रुकने के बाद और खासी फ्रेश एयर थी तो खासा फ्रेश फील किया। और अब हम वापसी का लिए रखते सफ़र बांधा है। तो दोस्तों, मैं आपको ना ओंद्रा पायगा की जो है वो कुछ हिस्ट्री बताता चलूँ। ओंद्रा जो है वो एक हिल का नाम है, एक चोटी है, और जो पोएगा है वो लोकल जो वाकई लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ हुंजा में, उसे उसमें स्टेयर या स्टेप्स को कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जी एक ओंद्रा पायगा जो है ये एक लोकल कम्युनिटी ने दिया है इसको नाम, और गुलमित विलेज में जो है ये इसे ओंद्रा फोर्ट भी कहते हैं, कि जो ओंद्रा फोर्ट को जाने के लिए बनाई गई थी सीढ़ियाँ 1655। और ये लोकल कम्युनिटी, जो सबसे अच्छी बात है, ये लोकल कम्युनिटी ने जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये तकरीबन 1655 सीढ़ियाँ हैं और 3500 मीटर का जो है वो एरिया कवर करते हैं पहाड़ की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीलॉग जो, लेकिन माशाल्लाह उतरने में वो मुश्किलात दरपेश नहीं है फ़िलहाल तो, जो हमें थी चढ़ाई के टाइम पे। और बड़ा एहतियात से पांव जमा के बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ता है, और क्योंकि खासी बुलंदी पे हैं, खासी ऊंचाई पे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वादी का नज़ारा भी, और शायद आपको हवा की तेज़ी और जो हवा चल रही है उसकी तेज़ी कैसे भी अंदाज़ा हो रहा होगा। बड़ी एहतियात से उतरना आपने, और कोशिश करें कि जितनी एहतियात कर सकें बेहतर है। यहाँ से उतरे हैं और जाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे होंगे इस जगह पे, और अब जो है अब हम आप देखेंगे हम लोग विदिन 3 मिनट्स हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जी। तो व्यूवर्स आपको दिखाते जाएं, ये एक जड़ी बूटी है, क्या नाम बता रहे थे अब्दुल रऊफ साहब? शश गुनू। जी जी, शश गुनू। और ये बता रहे थे कि जब बहुत ज़्यादा मेडिसिन और ये चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग जो पुराने बुजुर्ग थे वो लोग इसको फिशारे खून यानी ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। तो बहुत चीज़ें हैं जो जो हैं
डिस्कवर होने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को लग रहा है। तो इसमें बारीक सा फल होता है, छोटा सा फालसे के साइज़ का, तो छोटा फालसा कहते हैं गालबन या। तो ये बड़ी अच्छी इस तरह की बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, कुदरत ने नवाजा हुआ है, लेकिन इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है हम लोगों को। और क्या बता रहे थे जी, वाटर चैनल का क्या आप बता रहे थे कि वाटर चैनल जो चल रहा है उसके साथ साथ अगर कभी रास्ता भटक जाएँ या आप ट्रैक से हट जाएँ तो वाटर चैनल जो चारा उसके साथ साथ चलते जाएँ तो हम लोग मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। तो जी जी, तो ये एक गाइडेंस भी है जो आपको प्रॉपर कर सकते हैं, और जो जो आप ट्रैकिंग करते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा ट्रैकिंग का साथ साथ। तो हम तो खासा फ्रेश फील कर रहे हैं अब, अभी हम लोगों ने जाते हुए तो हमें खासी मुश्किल हो रही थी, अभी खासी अच्छी फ्रेश फीलिंग आ रही है और बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, ऐसे जैसे हम लोग सुबह चले थे जब सुल्तानाबाद से। और अब माशाल्लाह खासा, क्यों जी, खासा हल्का फील हो रहा है। क्या बात कर रहे हो, मैं तो ऐसा हो गया हूँ जैसा पता नहीं हवा में। जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, इसीलिए कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है, आसानी आ रही है। ये जब इस ट्रैक के साथ साथ चलते जाएंगे तो आगे फिर स्टेयर केस जाएंगे, और ये आपको वो देखें नाज़रीन, इसको गालबन चाइना ब्रिज कहते हैं, यहाँ से बड़ा क्लियर व्यू है इसका आताबाद लेक पे। ये गुलमीत वाला गुलमीत ब्रिज जो है वो है, अच्छा अच्छा बड़ा खासा बड़ा ब्रिज है, गाड़ी को खासा टाइम लगता है इस पर चलते हुए। न्यू ब्रिज है, बड़ी है, चाइना ने किया इसको, चाइना ब्रिज कहते हैं, चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया चूँकि इसको ब्रिज कहते हैं। तो आपको भी सजेस्टेड है कि अपनी मसरूफ ज़िंदगी से टाइम को आना चाहिए, और ट्रैकिंग के लिए साल में कम से कम 2 से 3 बार, नहीं तो अगर आप जितना कर सकते हैं जब भी अपनी मसरूफ ज़िंदगी से टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी वो कहाँ से आए थे वो लाहौर से जी, नहीं, नहीं, पहले वाले पहले वाले वो बता रहे थे कि लाहौर से आए हैं, तो नीचे उनके जो है वो जो हमें रास्ते अंग्रेज, हाँ वो जो फ्रेंच थे, वो जो था जूलियस था वो फ्रेंच था, और जो मैडम थी वो रशियन थी। तो इसीलिए उनसे पूछा कि आपने बड़े स्पीड में जो है वो कवर किया सब कुछ, तो वो बल्कि चूँकि रूटीन है ट्रैकिंग की तो बड़ा ईजीली हम लोगों ने ट्रैक किया, तो बस यही हम लोगों ने भी हिम्मत की है। हाँ बाहर से देखे कहाँ कहाँ से लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, उन लोगों को वैल्यूज़ हैं। इसी तरह पासुकोन जब हम उधर गुजर रहे थे तो वर्ल्ड फेमस है, हम लोग बस गुजर जाते हैं, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। और यूरोपियंस जो हैं उनसे पूछे उनकी क्या वैल्यू है, और बड़ी दूर दूर से जो है वो सफ़र करके आते हैं। तो ये हमारा ट्रैक अब दोबारा सीढ़ी वाला जो है वो शुरू होने वाला है। ये देखें जी नाज़रीन, ये ट्रैक है, नैरो ट्रैक है बिल्कुल, तो लिहाजा बहुत एहतियात चाहिए होगी। हम लोग अभी ट्रैक पे, ये देखें जी, ये साथ साथ इसके एक पानी की बवाद आ रही है, हमारी पानी की बॉटल भी ख़त्म हो चुकी है, तो देखेंगे जहाँ कहीं हमें अच्छा प्रेशर मिलेगा पानी का वहाँ हम जो है पानी भी भर लेंगे। कुछ एरिया स्लिपरी हैं, इसमें ज़रा एहतियात से, क्योंकि पानी चल रहा है तो एहतियात से जितनी एहतियात कर सकें उतरते हुए बेहतर है, जैसा कि जिक्र किया चीज़ें पूरी करके जॉगर्स वगैरह जो आप बनाते हैं जॉगर्स वगैरह पहन के आए, तो एहतियात से नहायत ऐसी जहाँ पानी है पत्थर पर पानी जो है वो स्लिप करता है। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको हमारी को काविश जो है वो पसंद आए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ना मुझे भी एक्सपीरियंस है इसका प्रॉपर वीडियो शूटिंग का ना ट्रैकिंग का, बस सोचा एक ट्रिप पे आए थे तो सोचा आपके साथ शेयर कर लें, जो लोग अपनी मसरूफियात की बिना पे नहीं आ पाते उनको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन दें, उन्हें बताएं कि हमारी जो वादी गिलगित बल्तिस्तान है इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई जो है दिलफरेब वादियाँ हैं और बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड हैं, हम लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो एज की कोई लिमिट नहीं है, हम सोचें कि जी जो है वो एज लिमिट है, हम लोग अब एजड हो गए हैं, या इसमें एज लिमिट नहीं है। अगर आपने जस्तजू की हिम्मत की
तो कुछ भी पॉसिबल थोड़ी इम्पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा जो है एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो हम लोग भी काफ़ी अच्छे से प्लान कर रहे थे, लेकिन सोचा कि जब जब इंशाल्लाह अब पिकनिक पे या टूर पे या विज़िट पे जाएंगे, कोशिश करेंगे जो थोड़े बहुत वीलॉग्स बना सकें आपके साथ शेयर कर सकें। तो नाज़रीन अभी हमारा पानी भरने का टाइम हुआ जाता है, ये हमारी बॉटल है, तो देखते हैं फिर हम पानी भरते हैं और फिर कुछ देर में आपसे मुलाकात। ठीक है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा जी। तो दोस्तों अभी हम लोग उतर रहे थे तो हमने कहा आपसे शेयर कर लें। ये जो लकड़ी है ये गालबन आपने नोटिस किया होगा, हमारी पाकिस्तान आर्मी के जो गजटेड ऑफिसर्स कह लें या मेजर से ऊपर कर्नल और ब्रिगेडियर्स और फिर जनरल्स वगैरह गालबन यूज़ करते हैं। बड़ी कीमती लकड़ी है, लकड़ी का नाम तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यह है कि बड़ी अच्छी और यूज़ होती है गालबन। ये तो बारीक है, इससे थोड़ी अच्छी पकी हुई। तो हमने कहा आपसे शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो चलते हैं वापस अपने नीचे ट्रैकिंग की तरफ। तो जितना जाते हुए मुश्किलात हमें हुई उतनी ही अभी अल्लाह पाक ने पैदा कर दी और हम लोग बड़ी स्पीड से जो है वो नीचे की तरफ अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवाएँ। तो एग्जैक्ट जाके माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत व्यूज़ हैं स्टेयर्स केसेस के अपने। और सबसे जो मुझे फिर किया है वो जो लोकल कम्युनिटी ने बनाया सब कुछ, ये लोकल कम्युनिटी ने पता नहीं कितने सालों में बनाया होगा, लेकिन देखें इंसानियत की खिदमत आज भी हो रही है। और देखें हम लोगों को कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी मुश्किल हो रही है और उन लोगों ने इसको गालिबन जो है वो बनाया। आप देखें एक एक पत्थर को लगाना, एक एक पत्थर को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। तो चलते हैं नाज़रीन, ये देखिएगा साथ साथ इसको लोकल दुकान में क्या कहते हैं जो पानी साथ थोड़ा थोड़ा चलता है, चश्मे का। हाँ जी, अच्छा ये ग्लेशियर का पानी, फिर तो ठंडा होगा अच्छा खासा। जी जी, अभी ये देखते हैं, अंदाज़ा करते हैं कि पानी जो है वो कितना ठंडा है। जी वाकई ग्लेशियर का पानी है और वाकई बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो नाज़रीन फिर ट्राई करते हैं पानी और आपको बताते हैं। जी तो नाज़रीन ये देखें कितना प्यारा व्यू है, एक तरफ जो है वो चश्मे का पानी ग्लेशियर है, एक्चुअली ग्लेशियर का पानी, और एक तरफ ये स्टेयर केसेस आप देखें। तो मैं आप सबको जो है वो सजेस्ट करूँगा बच्चों बूढ़ों जवानों को कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें और एक्सप्लोर करें। हमारा पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क से कम खूबसूरत नहीं है। तो बहुत सी हैं अनएक्सप्लोर्ड हैं, जितना हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये बता रहे थे कि अब्दुलरफ़ भाई कि ये जो है ये 100 साल के बाद जो है ये प्रॉपर जवान होता है। तो ये वही लकड़ी है गालबन जो हम ऊपर आपको जिक्र कर रहे थे, बड़ी कीमती लकड़ी है ये आप देख सकते हैं। तो साथ चिनार ही लग रहा है मुझे चिनार ही लग रहा है ये 100 साल में जाती चिनार। अच्छा अच्छा, चिनार के दास्ते जी कह रहे थे 100 साल में ये जवान 100 साल में जवान होता है माशाल्लाह। तो मैं आपको दोबारा कहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें और कोशिश करें। अब हम लोग जब लाहौर से निकले थे तो आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 21 घंटे का सफ़र करके हम लोग गिलगित पहुँचे थे, जिसमें उनका 2-3 स्टे भी थे 30 मिनट्स के 45 मिनट्स के। तो बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो फिर सोचा कि अच्छी तरह से जितना कोशिश कर सकें, जो भी हमारा स्केड्यूल है, स्केड्यूल बना के तो नहीं आए थे लेकिन कोशिश की कि हम लोग जो है वो स्केड्यूल के बग़ैर चला जाए, जो भी चीज़ें सामने नजर आए एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग जी तो नाज़रीन नहीं। तो यहाँ हम अपना जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स बाकी हैं, तो लिहाजा हम लोग बंद करेंगे। और जी तो नाज़रीन ऐसा ऐसा हम नीचे अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हैं। आप देखें एक कुदरती तौर पे एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट है, अगर आप मैं आपका मेरा कैमरा आपको दिखा सके, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट हाउस और होटल्स वगैरह भी बना रहे हैं। तो ये वादी गुलमीत है
और बड़ा ही क्लियर व्यू है। यहाँ देखें वो चाइना ब्रिज नज़र आ रहा है, हम क्रॉस करके आए थे। तो ये पीछे जो है आप देख सकते हैं अताबाद लेक, और ये ग्लेशियर सॉरी कोराकोरम रेंज, और ये हम आपको दिखाते हैं अभी जो पानी चल रहा है यहाँ। और माशाल्लाह हवा तो वो लेवल नहीं है हवा का, इस वक्त हवा का प्रेशर भी कम हो गया है थोड़ा सा, मौसम भी वो प्लेजेंट नहीं है उस लेवल का जिस लेवल का ऊपर जब हम पहुँचे थे, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम बिल्कुल आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं कि हम पहुंच जाएंगे। तो नीचे जाके फिर आपसे आप मौसम अभी फिर बेहतर हो गया है, गर्मा में थोड़ी सी हमें गर्मी फील हो रही थी लेकिन अभी फिर बेहतर हो गया मौसम, तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। व्यूअर्स देखें कितना नैरो है, और नीचे देखें बिल्कुल जाती हूँ मैं दादा जी का, लेकिन अभी फील हो रहा है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली व्लॉग में।